हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। तो ये टेंडर आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है। और इस टेंडर में वर्क जो है, सप्लाई होगा, इंस्टॉलेशन होगा, टेस्टिंग होगा, कमीशनिंग होगा। किसका? तो लेड स्ट्रीट लाइट का, है ना। तो स्ट्रीट लाइट के लगाने का यहाँ पर टेंडर रिलीज किया गया है, जो कि आपको ही सप्लाई करना है, खरीद के देना है, उसका इंस्टॉलेशन भी करना है, टेस्टिंग करना है एंड कमीशनिंग करना है, हैंडओवर करना है। और उसके साथ है रिप्लेसमेंट ऑफ पीवीसी इंसुलेटेड पीवीसी सेटेड एल्युमिनियम कवर केबल ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रीट लाइट इंक्लूडिंग अदर रिप्लेसिंग वर्क। तो जो केबल होता है स्ट्रीट लाइट में, जो तार होती है, उसमें जो पीवीसी कवर जो होता है, उस पे जो लगा होता है, वो अगर खराब होगा तो आपको रिपेयर भी करना होगा, नया लगाना भी पड़ेगा। तो उसका टेंडर है यहाँ पर। और टेंडर अराउंड कितने का है गाइस? यहाँ पे ईएमडी अमाउंट आपको भरना है, राइट। सो यहाँ पे देखिए, 12,39,496 रुपए का टेंडर है, जिसमें कि आपको 2% जो है आपको यहाँ पर ईएमडी अमाउंट भरना होगा, ठीक है। इसके अलावा ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, 2% 24,790 रुपये ईएमडी अमाउंट आपको भरना होगा, जो कि वापस आपको मिल जाएगा, राइट। और ये आपका 14 दिसंबर लास्ट डेट है टेंडर ऑनलाइन भरने का, ठीक है। इसमें बीओक्यू दिया गया है, नीचे मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, 2 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आपके पास टाइम है, आप ये टेंडर भरिए। तो इसमें मेजरली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखते हैं गैस? तो इसमें मेजरली जो है आपका पुराना वर्क एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है, 4 लाख 5 लाख का अगर आपने काम किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस के अलावा आपका पूरे साल में कितना वैल्यू का आप काम किए हैं, एक तरह का बैलेंस शीट, राइट, ये अगर आपके पास है तो ये आप दीजिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर मांगेगा कि ऑल कंप्लाइंसेस, लाइक जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, ईएसआईसी सर्टिफिकेट, जितने भी मैन पावर है, पीएफ रजिस्ट्रेशन, ये सब कंप्लाइंसेस के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बिलिंग के टाइम काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही मांगा जाएगा। और उसके अलावा ईमेल आईडी और डॉक्यूमेंट बेसिक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें तो आपके पास होंगे ही, राइट। और आपका एक नोटरी से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा और एक एग्रीमेंट सर्टिफिकेट होगा, तो वो सारी चीज़ें तो आप नोटरी से बनवा सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील, वो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे गाइस, पूरा ब्रेकअप दिया गया है, बीओक्यू दिया गया है। यहाँ पे देखिए, 12,39,496 ईएमडी अमाउंट, 24,790, 30 दिन में आपको टेंडर ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए, 5 क्वांटिटी दिया है किसमें भाई, यहाँ पर, और रेट इतना होना चाहिए, एक तरह का कोटेशन का ब्रेकअप दिया गया है, क्या क्या मटेरियल यहाँ आपको लगेगा, उसके हिसाब से आप कोटेशन तैयार कीजिएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कुछ समझने में कोई दिक्कत होता है तो एक होता है प्री बिड मीटिंग, राइट। तो 14 दिसंबर से पहले एक मीटिंग होगी, जिसमें कि आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, राइट, और समझ सकते हैं, ओके। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं गाइस। यहाँ पर इसका लिंक दिया गया है, जिससे कि आप पूरा पीओक्यू जो मैंने अभी आपको दिखाया और रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको इसमें मिल जाएंगे, ओके। आप उसके थ्रू टेंडर डाउनलोड कीजिए, रिलेटेड डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए टाइम से पहले, लास्ट टाइम में गलत ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, governmentprocurement.delhi.gov.in पे जाके आप कर सकते हैं, राइट। सो गुड लक गाइस, मिलते हैं नए टेंडर के साथ, थैंक यू।